राजा की पत्नी बन सके तो सूर्य भी उसके सौंदर्य को ना देख सके, बन सके तो। वैसे एक नियम है, समष्टि से शील भंग की प्राप्ति नहीं होती। गुप्त अंग को छिपाने के लिए भी वस्त्र, साड़ी, धोती आदि चाहिए न, पार्थिव है या नहीं, लेकिन उससे शील भंग नहीं होता। स्नान करने के लिए जल का संग प्राप्त होगा या नहीं गुप्त से गुप्त अंग को, क्योंकि वो देवता हैं, समष्टि हैं, समष्टि से व्यष्टि के शील का अपहरण किसने लिखा है? पुष गुरुदेव ने, राजपंचाध्याय पुष गुरुदेव के वाक्य। अच्छा, प्रत्येक शरीर में ऊष्मा या गर्मी है या नहीं, समष्टि तेज है, उससे किसी का शील भंग थोड़े होगा, बल्कि ऊष्मा चला जाए तो सब ही हो जाएगा। अच्छा, वायु समष्टि देवता है, उनसे किसी का पुरुष हो या स्त्री शील भंग थोड़े होगा, क्योंकि वायु के बिना जीवने नहीं है। आकाश भी शरीर में है, तो इसका मतलब समष्टि जो है देवरूप, उनसे किसी के शील का अपहरण नहीं होता। इसलिए समष्टि के भी समष्टि आत्मा ही अगर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाए तो प्रातीतिक शील भंग है या तात्विक शील भंग है, वो हमने एक संकेत किया। तो यहाँ पर क्या कहा गया,